नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पंजाब के चुनाव में नतीजों पर केजरीवाल का सवाल, मतदाता पूछ रहे हैं हमारे वोट कहां गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए बुधवार को कहा कि मतदाता पूछ रहे हैं कि हमारे वोट कहां गए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बादल के खिलाफ गुस्सा था, अकाली दल को 30% वोट कैसे मिले, हमने बूथ लेवल पर पड़ताल की है, वोटर पूछ रहे हैं हमारे वोट कहां गए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर जगह बस यही बात होती थी कि आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, कांग्रेस की आंधी है, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा, फिर भी उन्हें कैसे बहुमत मिल गया। उन्होंने आगे कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि सुजानपुर में कई बूथ पर गड़बड़ी हुई है, उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ईवीएम से वोट ट्रांसफर तो नहीं कर दिए गए, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती कराए, वीवीपैट से आंकड़ों की जांच कराई जाए। दूसरी ओर किसी समय ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। यूपी चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी और अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर पार्टी न्यायालय में याचिका दायर करेगी। मायावती ने कहा कि चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ बसपा 11 अप्रैल को काला दिवस मनाएगी और भाजपा के खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, अभी 16 माह का बचा था कार्यकाल। किडनी प्रत्यारोपण के बाद पहली बार लोकसभा पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सदस्यों ने किया भावभीना स्वागत। मणिपुर में बनी भाजपा सरकार, एन बीरेन सिंह बने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। यूपी उत्तराखंड की जीत पर विजयी मोदी का लोकसभा में मेजर थपथपा कर किया भाजपा सांसदों ने स्वागत। यूपी के निवर्तमान परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज। मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।